नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मेट्रो विहार चौकी के बाहर। और आपको बता दें, कल मेट्रो विहार फेस टू से शाम के करीब 4 बजे एक लड़की जो है, बताया जा रहा है कि कुछ लड़कियां आई हैं और उस लड़की को साथ लेकर गई है, जिसको लेकर परिवार मेट्रो विहार चौकी के बाहर पहुंचा और इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। लेकिन परिवार का आरोप है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सही से कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ एक FIR काट कर इनके हाथ में दे दी गई है, जिसको लेकर परिवार चौकी के बाहर खड़ा है और मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो उस उनकी लड़की को लेकर उनके घर से गए हैं। बताएं, मेरी लड़की कल 4:30 बजे से गुम हो गई घर से, किसी औरत ने उठा करके लेके, ज़बरदस्ती उठा करके लेके गया जी। मैंने पुलिस में FIR कराए हैं, पुलिस वाले ने हमें FIR अभी दिए हैं और अभी तक के कोई सूचना नहीं मिली कि मेरी बच्ची कहाँ है। जब आपने शिकायत की कल, तो उसके बाद कोई टीम गई आपके वहाँ पर CCTV वगैरह चेक किए गए? नहीं, ऐसा कोई किसी तरह के CCTV कैमरे चेक नहीं हुआ है और ना ही मैंने 2 बार उनको जिस पर मेरा शक था 2 बार मैंने गिरफ्तार किया, पुलिस को दिया, उन्होंने बात कर करके छोड़ दिया गया, उससे कोई सख्ती कार्रवाई नहीं किया गया। और बजाबते पुलिस जो कुछ स्टाफ है वो पुलिस उल्टा सीधा हमारे आदमियों से बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुलिस? तो भाग गई है, मैं सारा ठेका लिया हूँ, ये इस तरह से व्यवहार कर अभद्र व्यवहार करते हैं, बदतमीजी से वो बातें करते हैं। क्या हुआ बताइए? मेरे लड़की को 4:30 बजे से किसी ने लड़की निकाल के घर से ले गई है। मेरे लड़का 2 छोटे छोटे घर पे थे, उसको ने धक्का पूछिए कि ये कौन है, तो कह रहा तू अंदर जा, उसे ऐसे धक्का मार के ठेल दिया बाहर से, केवाड़ी लगा कि मेरी लड़की को खींच के ले गई है जबरदस्ती। 2 लड़की हमें कल पकड़ाया है, उसको मैंने यहाँ पुलिस चौकी में 2 बार लाया हूँ, दोनों बार वो लड़की के छोड़ दिया गया है। अब पुलिस हमें धमकी दे रहा है कि ज़्यादा अकड़ दिखाओगे तो हम सबको बंद कर देंगे, अभी महिला पुलिस के बुला के डंडा पिटवाएंगे। हुआ है मेरे घर पर यही बात कि मेरे लड़की ने 4 बजे, मेरा जेठानी भी था, नहा रहा था और 2 बच्चे घर में था, वो दोनों बच्चे के दो एक बाया लेडीज बच्चे के धक्का मार दिया और धक्का मार के वो लड़के के खींच के बाहर से झिंझरी लगा दिया और वो लड़की के गिरफ्त कर दिया, अभी तक नहीं हो रहा। मैंने 2 खेवा पुलिस चौकी आ चुका हूँ, कोई कारोबार नहीं हो रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाला ने कुछ जानकारी नहीं कर रहा है, वाव ने हमारे लड़का के कह रहा है कि संजय ने तू झूठ बोल रहा है, तेरे को बंद करूँगा। कितनी उम्र है जो लड़की हुई है? लड़की के 18 साल में 1 महीना कम है। भतीजी घर पे रहती है, वो कहीं जाती नहीं थी, उसको 3 लड़कियों ने जबरदस्ती ले गए हैं घर से निकाल के, घर पे कोई नहीं था, एक बच्चा था घर पे, उसको जबरदस्ती ढक्का मार के अंदर बंद कर दिया गया और उसको जबरदस्ती यहाँ से ले गए हैं, अभी तक कुछ नहीं बताया। जो बता रहे हो जबरदस्ती ले जाया गया, उसको क्या उसने शोर नहीं मचाया? कुछ शोर मचाया था उस बच्चे ने, गली में कोई था नहीं, उसको कुंडी लगा दिया बाहर से तो कुंडी भी नहीं खुला, वो लड़का कह रहा है अगर लड़की को देख लूंगा तो पहचान लूंगा मैं। 2 लड़की को हम पकड़ के मिलाए, जिस लड़की को लेकर गए उस लड़की ने शोर मचाया? उस लड़की ने कोई शोर नहीं मचाया, बिल्कुल भी नहीं जी। उसको धमकी मिली बहुत है, उसको धमकी दिया गया है आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, बीच रास्ते में मरवा दूंगा, तेरे 2 भाई घूमते हैं उसको मरवा देंगे, तो वो लड़की डर के हमारे कुछ नहीं बोल रही है, उसको कुछ भी नहीं, बार बार धमकी देते हैं, वो पैसे लेके जाती थी उससे पैसे छीन लिए जाते थे, उसको मारा भी करते थे और टॉर्चर भी बहुत किया गया है उसको। और पुलिस वाले के पास हम आए तो हमारे को उल्टा कह रहा है कि तुम्हारे को बंद कर देंगे, लड़की का हमने 2 लड़की पकड़ के दी, इन्होंने मेडिकल करवाने ले गए हैं और कह रहे हैं तुम्हारे को ही बंद कराएंगे। आपको बता दें, परिवार का कहना है कि इनके घर कुछ लड़कियां आई और इनके जो लड़के थे घर में जो छोटे हैं उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया और इनकी लड़की को वो लड़कियां अपने साथ लेकर चली गई, जिसको लेकर इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज को दी गई और उन लड़कियों को चौकी इंचार्ज के हवाले भी किया गया, जिसको लेकर परिवार का आरोप है कि कुछ घंटे बाद ही उन लड़कियों को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर अब परिवार हताश और निराश होकर मेट्रो विहार चौकी के बाहर इंतजार कर रहा है कि जो परिवार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के आश्रित है,
कि वो जो लड़की गुमशुदा हुई है उसकी तलाश की जाए और उस लड़की को ढूंढकर परिवार को सौंप दिया जाए, जिसको लेकर परिवार आज शाम को मेट्रो विहार चौकी इंचार्ज की जो टीम है उनके इंतज़ार में है और चौकी के बाहर जो लोग हैं वो बैठे हैं ताकि जो लड़की जो गुमशुदा हुई है वो कहीं ना कहीं मिल जाए, जिसको लेकर परिवार का कहना है कि इस मामले को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो लड़की गई है उसका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया, जिसको लेकर जो परिवार है वो मेट्रो विहार चौकी के बाहर बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि खाली FIR से काम नहीं होगा कि उन लड़कियों को भी पता लगाया जाए जो लड़कियां इनकी लड़की को लेकर गई थी। दिल्ली से प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।